ही निकल, तू क्यों हताश है? तू चल, तेरी वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरी वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार, मैं बरखा सोनी छत्तीसगढ़ भिलाई से आज आप सभी के सामने कोविड-19 के उपरांत क्या नई विश्व व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे सामने क्या अवसर आएंगे तथा क्या रुकावटें हैं, इस विषय पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। कोविड-19 के उपरांत यदि मैं रुकावटों की बात करूं, तो बेशक हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, जैसे कि शिक्षण संस्थान में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, राजनैतिक व्यवस्था में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक नीतियों पर बहुत सारी रुकावटें का सामना हमें करना पड़ेगा। कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसने आज पूरे विश्व में अपने पैर जमा कर रख ली है, जिसने आज पूरे विश्व में अपनी जकड़ बना ली है। इस महामारी के दौरान हमें बहुत सारे आर्थिक गतिविधियों का भी सामना करना पड़ रहा है, हमें आर्थिक नीतियों से भी जूझना पड़ रहा है। कोविड-19 के दौरान यदि कोरोना वायरस 2019 की मैं बात करूं, तो बेशक हमें इससे शैक्षणिक संस्थान अभी तक के बंद हैं, जिसके कारण हमारे देश में बहुत सारे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, जिससे आज सरकार को बेशक आर्थिक नीतियों का आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कोविड-19 के उपरांत हमें नई विश्व व्यवस्था, यदि हमें विश्व व्यवस्था बनानी है, तो बेशक हम जब आने वाले समय में यदि हमें किसी भी महामारियों का सामना करना पड़े, तो हमें ये इस प्रकार सजग रहना पड़ेगा, इस प्रकार सतर्क रहना पड़ेगा, इस प्रकार जागरूक रहना पड़ेगा कि हम आने वाले समय में उसका सामना कर सके। इस विश्व युद्ध में हमने देखा कि किस प्रकार कोई भी महामारी किसी भी विश्व युद्ध के समान है। यदि हमें जिसने आज हमें घर पे ही बंद करके लॉकडाउन रह करके रख दिया है, कोविड-19 के उपरांत यदि हमें नई विश्व व्यवस्था बनानी हो, तो बेशक हमें इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। बेशक WHO को किसी भी प्रकार से ऐसी जानकारी नहीं देना चाहिए या फिर ऐसी हिदायतें नहीं देना चाहिए जिस पर कोई भी देश अपनी सतर्कता अपनी मजबूत जमा ले। जैसा कि WHO ने चीन को हिदायत दे दी थी कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं, जिसने चीन ने उस एक्सपेरिमेंट को किया और इस वायरस को पूरे विश्व में फैला दिया। इसका कारण WHO ही है जिसने शुरुआत कोविड-19 के शुरुआती दौर में तो जो काम किए वो सराहनीय योग्य नहीं थे। उन्होंने चीन को पहले ही यह व्यवस्था दे दी थी कि आप इस किसी भी वायरस पर प्रयोग कर सकते हैं। उस वायरस का प्रयोग का नतीजा आज यह निकला है कि आज पूरा देश लॉकडाउन में है, पूरा देश आज बंद है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आज पूरे देश में जब चुनौतियां आ रही है, तो हमें इसका सामना किस प्रकार करना पड़ रहा है। आज नई विश्व व्यवस्था यदि हमें बनाना है, तो बेशक नई विश्व व्यवस्था में WHO को यह सोचना होगा कि किसी भी देश को हम किसी प्रकार से हिदायतें ना दें।